इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्राइमिंग एंड फोमिंग द ट्रबल्स ऑफ ठीक है तो प्राइमिंग क्या होता है कि जब स्टीम हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बॉयलर्स में तो स्टीम की वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और इतनी फास्ट वेलोसिटी में वो क्या करते हैं कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ गैस जो है वो एस्केप uh, हो रही होती है बल्कि वो कुछ लिक्विड्स को अपने साथ लेकर वेट स्टीम बना देती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइमिंग यानी कि स्टीम कंटेनिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड वाटर इज कॉल्ड वेट स्टीम एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेट स्टीम इज नोन एज प्राइमिंग तो प्राइमिंग की कॉज क्या होती है पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई प्राइमिंग होती क्यों है यानी कि स्टीम जो है वो लिक्विड वाटर को अपने साथ क्यों ले जाती है कैसे क्या वजह बनती है इसकी तो इसमें होगा कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ़ डिजोल्व सॉलिड्स यानी कि जब वाटर में बहुत ज़्यादा डिजोल्ड सॉलिड्स मौजूद होंगे ना तो क्या होगा कि स्टीम वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जब हम बॉयल करेंगे उसको सडन बॉयल करेंगे तो उसकी वजह से स्टीम जो है वो अपने साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को भी ले जाएगी तो क्या होगा या फिर इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि बॉयलर जिसके अंदर आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं उसका डिज़ाइन जो है वो सही से ना बनाओ प्रॉपर ना हो इम्प्रॉपर हो तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रिवेंशन हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो सबसे ज़्यादा हर चीज़ की प्रिवेंशन में पहला टॉपिक या पहली चीज़ यही है कि हमें ट्रीटेड वाटर को यूज़ करना चाहिए बनस्बतिस इसके कि हम जो है वो हार्ड वाटर को यूज़ करें हमें सॉफ्ट वाटर को यूज़ करना चाहिए जो प्रॉपर ट्रीटमेंट जिसका हो चुका हो या फिर क्या होगा कि स्टीम की वेलोसिटी को कंट्रोल किया जाए जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है कि स्टीम क्योंकि स्टीम एक हम वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये थोड़ा मुश्किल काम है कि वेलोसिटी को कंट्रोल किया जाए उसके बाद क्या है कि फिटिंग मैकेनिकल स्टीम प्योरीफायर्स यानी कि या तो ऐसा हो कि हम स्टीम प्योरीफायर्स को फ़िट कर दें उस बॉयलर के आगे हम स्टीम प्योरीफायर को फिट कर दें तो सिर्फ और सिर्फ स्टीम को आगे जाने दो और लिक्विड ड्रॉपलेट्स को वहीं पर कंज्यूम कर लें या फिर क्या है कि मेनटेनिंग लो वाटर लेवल यानी कि बॉयलर में आप पानी जो है वो इतना ऊँचा ना डाल दें कि वो स्टीम उड़ते उड़ते वाटर ड्रॉपलेट्स को भी साथ ले जाए आप वाटर का लेवल जो है थोड़ा लो रखें और लास्ट पॉइंट हमारा है कि गुड बॉयलर डिज़ाइन यानी कि बॉयलर का डिज़ाइन जो है वो अच्छा हो कि वो वहाँ पर प्राइमिंग परफॉर्म ना हो सके नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मिंग फॉर्मिंग क्या होती है कि जिस तरह हमने पढ़ा कि प्राइमिंग में जो है वो यानी जो गैस प्रोड्यूस होती है जो तो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो वाटर ड्रॉपलेट्स को साथ ले जाती है फॉर्मिंग में क्या होता है कि सर्फिस पे जो बॉयलर की सर्फेस होती है उसकी सर्फिस के ऊपर ना सर्फिस टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है यानी कि वाटर की अपनी सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाती है और ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो हमने वाटर ऐड किया होता है उसमें कोई ना कोई ऑयल ड्रॉपलेट्स या कोई जो है वो इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ग्रीस हो गई या फिर स्लज uh, वगैरह के पार्टिकल्स हो गए वो प्रेजेंट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि सर्फेस टेंशन को वो रिड्यूज़ कर देते हैं सर्फेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं और ऊपर एक लेयर अपनी बना लेते हैं ऑयल हो गया या स्लज हो गया जो भी चीज़ होगी वो अपनी एक लेयर बना लेगी जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉयलर उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा ठीक है और उससे क्या होगा एक फोम टाइप सा बन जाएगा ऊपर यानी कि एक फॉमी अपेयरेंस डेवलप होगी जिसको हम कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मिंग तो हम पढ़ के देखते हैं ऑयल और एनी अदर पोलीमेरिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन बॉयर फीड वाटर रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर फॉर्मिंग बबल्स विच डू नॉट ब्रेक इजिली इन बॉयलर ठीक है बबल्स बना देते हैं जो ब्रेक नहीं होते बॉयलर से और एक फॉम की तरह की अपेयरेंस क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्मिंग तो फॉर्मिंग होती क्यों है प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड ग्रीस यानी ऑयल या ग्रीस का कोई अगर पार्टिकल्स आ गए काफ़ी सारे हार्ड वाटर हमने यूज़ कर लिया या फिर वाटर प्रॉपर ट्रीटेड नहीं था उसकी वजह से ये पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए या फिर स्लेज फॉर्म हो चुका होता है वो सर्फेस पर जाके जो है वो सर्फेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर्मिंग कैन भी प्रिवेंटेड बाई एडिंग कोगुलेंट्स लाइक सोडियम एलुमिनेट फायरस सल्फेट को क्या होते हैं प्रोमोट क्लम्पिंग ऑफ फाइन इंटू लार्ज फ्लॉक सो दैट दे कैन बी रिमूवीजली कोएगुलेंट्स ऐसे सबस्टांस uh, या ऐसे एलिमेंट्स को हम कह सकते हैं जिनको अगर हम ऐड करते हैं ना तो क्या होता है कि जो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना इन सबको मिला के बहुत बड़ा पार्टिकल बना देता है यानी छोटे 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 अब जैसे ऑयल और ग्रीस के छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये उन सबको ऐड कर देता है उन सबको मिला देता है और जब वो सब मिलके एक बहुत बड़ा पार्टिकल बना देते हैं तो हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं तो ये काम होता है कोएगुलेंट का और प्रिवेंशन में हमने क्या पढ़ा फॉर्मिंग की कि हम लोग प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं हम कोएगुलेट्स को ऐड कर देते हैं और कोएगुलेट्स कौन कौन से हो सकते हैं सोडियम एलुमिनेट हो सकता है या फिर फेरस सल्फेट हो सकता है नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्टिक एम्प्रेटलमेंट कॉस्टिक एम्प्रटलमेंट क्या होती है यानी कि टूट जाना अब बॉयलर का टूट जाना और बॉयलर किस तरह से टूटता है ये हम आगे देखते हैं कॉस्टिक एम्बेटलमेंट में होता क्या है कि क्रैकिंग ऑफ बॉयलर मेटल हो जाती है यानी कि जो बॉयलर का मटेरियल होता है बॉयलर की जो मेटल होती है वो क्रैक हो जाती है अब ये होता कैसे है कि हमें पता है कि जब हम लोग बॉयलर फीड वाटर जो यूज़ करते हैं ना यानी कि वो बहुत सारे ट्रीटमेंट से गुजर के आया होता है ट्रीट करके हम फिर वाटर को यूज़ करते हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है कि उसमें स्मॉल पोर्शन ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री रह जाता है यानी कि सोडियम कार्बोनेट उसमें रह जाता है अब होता क्या है जब तो हम बॉयलर uh, स्टार्ट uh, करते हैं यानी कि उसको बॉयल स्टार्ट करते हैं वाटर को बॉयल करना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर गेन हो जाता है और हाई प्रेशर डिवेलप हो चुका होता है तो क्या होता है एन ए टू सी ओ थ्री ब्रेक डाउन हो जाता है ठीक है एन ए टू सी ओ थ्री वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ब्रेक डाउन हो जाता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और बना देता है टू एन एच प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इज़ इट सेल्फ कोरोसिव गैस यानी कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है कोरोजन कॉज कर सकती है और दूसरी चीज़ क्या है कि एन एच अब होता क्या है कि जब बॉयलर में डिकम्पोजिशन होती है ना एन की ये यह यहाँ पर इसका दिया हुआ है प्रोसीजर के किस तरह से होता है रिएक्शन दिया हुआ है एन ए जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है टू एन एच प्लस सी अब जब टू एन और सी बन जाता है ना तो क्या होता है कि आ, क्या पहले रिएक्शन के थ्रू एन जो है वो फ़्लो करता है हेयर क्रैक्स और सर्विसेज में हेयर क्रैक्स यानी कि जो इतने बारीक क्रैक्स होते हैं जैसे हमारा एक ह्यूमन हेयर होता है इतने बारीक क्रैक्स जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है एन फ्लो कर जाता है और ये फ्लो किस तरह करता है बाय कैपिलरी एक्शन कैपिलरी एक्शन हम एबिलिटी ऑफ लिक्विड कहते हैं कि वो फ्लो कर जाता है खुद ही नैरो स्पेसेस में कैपिलरी रिएक्शन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इन नैरो स्पेसेस और इसमें क्या होता है कि विदाउट असिस्टेंस विदाउट अपोजिशन ना इसको कोई हेल्प कर रहा होता है फ्लो में और ना इसको कोई अपोज कर रहा होता है फ्लो में तो इस चीज़ को हम कहते हैं कैपिलरी रिएक्शन अब होता क्या है एन जो है वो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू जो है वो हेयर क्रैक्स में और और, और सर्विस में जाके वहाँ पर अढ़ेयर हो जाता है ठीक है वहाँ पर अडेयर होने की वजह से क्या होता है कि वो सराउंडिंग के आयरन को डिजोल्व करना शुरू कर देता है या उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है एन और एन जब सराउंडिंग uh, के आयरन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है तो इसका नुकसान क्या होता है कि ब्रिटलमेंट शुरू हो जाती है ठीक है यानी कि बैंड जॉइंट्स ट्रबेट्स वगैरह के जो है स्ट्रेस पार्ट होते हैं बॉयलर्स के ये ब्रिटल uh, होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ते आहिता ब्रिटल होते हैं घुड़ते हैं और फिर साथ इनमें क्रैक्स आ जाते हैं या ये टूट जाते हैं तो इससे क्या होता है कि कॉज इवन फेलियर ऑफ बॉयलर पढ़ के देखते हैं दिस कॉज बिटलमेंट ऑफ बॉयलर पार्ट्स पर्टिकुलरली स्ट्रेस पार्ट्स लाइक बेंड जॉइंट इट इज ई कॉजिंग इवन द फेलियर ऑफ बॉयलर ठीक है तो क्या होता है इसमें ये जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है एन ए टू एफ ई ओ टू और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है और एन ए टू एफ़ ई ओ टू ये जो प्रोडक्ट एक बनाता है इसकी वजह से क्या होता है कि आयरन जो है वो पोरस होना शुरू हो जाती है हम कह सकते हैं कि आयरन जो है वो ब्रिटेलमेंट उनकी स्टार्ट हो जाती है और ये बॉयलर की फेलियर का कॉज बनती है तो अभी हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको प्रिवेंट इस तरह से करते कर सकते हैं कि हम बजाय एन ए टू सी ओ थ्री यूज़ करने के हम सोडियम फॉस्फेट को यूज़ करें सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पे ठीक है या फिर हम कर सकते हैं कि टैनिन और लिग्निन को ऐड करें टैनिन और लिग्निन ऐसे सब्सटेंस है जो बहुत इजीली जो है वो टूटते नहीं हैं तो अगर हम इनको ऐड कर देंगे बॉयलर वाटर में तो ये जाके वहाँ पे जो क्रैक्स वगैरह होंगे वहाँ पे ये स्टक हो जाएंगे और ये इजीली जो है वो उसको क्रैक्स को जो बढ़ने नहीं देंगे तो वहाँ पर जो है एन ए टू सी ओ थ्री जाकर रिएक्ट नहीं कर पाएगा यानी एन ए वच बना के वो जाके रिएक्ट नहीं कर पाएगा नेक्स्ट हमारे पास है बॉयलर क्रोइन बॉयलर क्रोइन क्या होती है क्रोइन स्टैंड फॉर ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ़ मटेरियल या हम कह सकते हैं ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ़ मेटल तो बॉयलर क्रैयन यानी कि बॉयलर का टूट जाना या बॉयलर की कुरैन यानी कि उसकी डिस्ट्रक्शन स्लोली डिस्ट्रक्शन अब इसमें होता क्या है बॉयलर कुरैन इज द के ऑफ बॉयलर मटेरियल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑफ इट्स इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में क्या होता है डिजोल्व ऑक्सीजन होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है या कुछ और सॉल्ट होते हैं जो क्या करते हैं कि बॉयलर के, के उप, सर्फेस के ऊपर आकर अटैक करता है और केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है बॉयलर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है अब हम बारी बारी देखते हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है और सॉल्ट क्या करता है तो पहले हम बात करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन की जब ऑक्सीजन जो है वाटर कंटेनिंग डिजोल्व ऑक्सीजन अब ऐसा वाटर जिसमें ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व हो चुकी है अब हम जब उसको बॉयलर्स के अंदर ऐड करा देते हैं तो क्या होता है कि फॉलिंग रिएक्शन आकर यानी जो नीचे रिएक्शन उन्होंने दिए हैं वो अक्कर होते हैं और क्या होता है बॉयलर में रस्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है रस्ट कहते हैं जंग को मेटल को जंग लग जाता है ना यानी आयरन को जंग लग जाता है तो हमने कहा कि रस्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है तो कुरयन इसको हम क्रैन भी कहते हैं कि क्रैन स्टार्ट हो जाती है तो अब रिएक्शन देखते हैं रिएक्शन में होता क्या है कि जब वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हमने वाटर भी लिया ऑक्सीजन भी ली और वो रिएक्ट करता है आयरन के साथ तो टू एफ ई ओ एच टू बना देता है ठीक है और टू एफ ई -E एच टू जैसे ही बनता है मतलब रस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई क्योंकि ऑक्सीजन ने इन्वेट कर लिया आयरन के अंदर नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं टू एफ यू एच टू ने फर्दर रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और उसने ये वाला कम्पलेक्स बना दिया इस कम्पलेक्स के प्रोडक्शन की, की वजह से जो है वो क्रेन शुरू हो गई या रेस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई अब रिजॉल्व ऑक्सीजन हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं कि जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन कम से कम हो बाय एडिंग हाइड्रोजीन और सोडियम सल्फाइड हाइड्रोजीन हम कहते हैं एन टू एच फोर को और सोडियम सल्फाइड हम कहते हैं एन ए टू एच ओ थ्री को ठीक है तो हम इसकी एडिशन से जो है ना वो रोक सकते हैं किसी हद तक ऑक्सीजन को और किस तरह से रोक सकते हैं कि जब हम एन टू एच फोर यानी हाइड्रोजिन ऐड करते हैं तो हाइड्रोजिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये वाटर बना देता है और नाइट्रोजन लैदा हो जाता है ठीक है यानी कि रिडक्शन करा देता है ओ ओ टू में ना एच फोर ऐड करा देता है ओ टू में जो एच फोर एड होता है यहाँ वाटर बन जाता है और साथ में एन टू इसी तरह सेम जो है वो सोडियम सल्फाइड भी इस तरह से ही करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एन ए टू एस ओ फोर बना देता है तो इससे क्या होता है कि डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाती है और वो जाके आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करती बल्कि इन सबस्टांसिस या इन कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट कर लेती है ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसको मैकेनिकल डीएरेशन मेथड के थ्रू भी हम रिमूव करा सकते हैं ऑक्सीजन को यानी कि एयर रिमूव उसमें हो जाएगी तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी नेक्स्ट हमारे पास है डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होगी हमारे बॉयलर फीड वाटर के अंदर वेन वाटर कंटेनिंग बाई कार्बोनेट्स इज हीटेड कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व अब देखें हमने पहले जो डिस्कस किया एन ने एन बनाया ठीक है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की तो हमने वहाँ पर सिर्फ एन की बात की थी जब हमने कॉस्टिक एम्बेटलमेंट पढ़ा था हमने वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं की अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा जब वहाँ पर ब्रेक uh, होगा सोडियम बाई तो वो क्या करेगा सी बनाएगा जो एक कि एक अनडिसवेबल प्रेसिपिटेट है यानी कि इनसॉलेबल है फिर साथ वाटर बनाएगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है वाटर के साथ करती है और एच टू सी ओ थ्री बनाती है अब हमें पता है कि जो एच टू सी ओ थ्री है ये एक एसिड है. है लेकिन ये एक एसिड है अब ये क्या करता है हमें पता है एसिड तो हमेशा ही आयरन के साथ रिएक्ट करके उसको क्रोसिव बना देता है और कुरियन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पर भी यही होगा कि ये जो है वो मेटल को क्रोसिव बना देगा यानी कि वहां पर जो है वो कुरियन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें हम इसको प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करता है और कम्पलेक्स बना देता है और साथ वाटर को रिमूव कर देता है या फिर दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि हम मकैनिकल डीएरेशन मैथड जिस तरह हम लोगों ने ऑक्सीजन के लिए कहा था कि या तो हम हाइड्रोजिन वगैरह ऐड करेंगे या फिर हम मकैिकल डीएरेशन करा देंगे तो यहाँ पर भी हमने ये कहा कि हम या फिर मैकेनिकल डी ईरेशन करा देंगे नेक्स्ट हमारे तो पास क्या है कि डिजोल्व डिजोल्व एम दिजौल्व्� जी सी एल टू एम जी सी एल टू जब डिजॉल्व होगा तो सॉल्ट क्या करता है सॉल्ट वाटर के साथ मिलकर ना हाइड्रोक्साइड बना देता है कोई ना कोई जैसे एम जी ओ एच टू इसने बनाया अब नेक्स्ट क्या हुआ साथ एच सी एल रिमूव कर दिया एच सी एल इज इट्स सेल्फ एंड एसड दैट इज़ हार्मफुल फॉर एनी मेटल तो यहाँ पर जब वो एच सी एल जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर वही बात आ गई कि कुरियन होगी और क्या होगा कि मेटल जो है वो क्रोसिव हो जाएगी और टूट भी सकती है उसमें कुरियन डैमेज हो जाएगी तो एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम सॉल्ट दैट आर डिजॉल्व इन वाटर आर मोस्टली रिस्पांसिबल फॉर द ऑफ बॉयलर सॉल्ट एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड अंडर गो हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस क्या मतलब कि यानी वाटर की ब्रेकडाउन होगी जब हाई टेम्परेचर होगा और क्या होगा एच सी एल हमें प्रोवाइड कर देंगे और एच सी एल जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो एच सी एल जाके आयरन के, के रिएक्ट करेगा और क्या करेगा चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा ये क्या होगा यहाँ से फिर एच सी एल रिमूव होगा या एच सी एल जाके और आयरन को ख़राब करेगा वहाँ से एच सी एल और रिमूव होगा वो और आयरन को डैमेज करेगा तो इसलिए हमने इसको कहा कि ये एक चेन रिएक्शन है और एम जी सी एल टू को हम दो तरह से रिमूव कर सकते हैं या तो इंटरनल कंडीशनरिंग के जरिए या फिर एक्सटर्नल कंडीशनरिंग के जरिए कंडीशनिंग के जरिए इंटरनल कंडीशनिंग क्या होती है कि हम लोग वाटर के अंदर यानी बॉयलर के अंदर कोई चीज़ डालते हैं और उससे हम एम जी सी एल टू को रिमूव करवाने की कोशिश करते हैं और एक्सटर्नल कंडीशनिंग क्या होती है कि इसमें हम लोग एक्सटर्नली यानी कि बॉयलर को पहले ही ड्रीम कर लेते हैं या उसमें कोई ना कोई प्रोसेस करके उसको क्लियर uh, कर लेते हैं ताकि वहाँ पर एम जी सी एल टू कोई भी रिएक्ट ना कर सके तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट और लेक्चर नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशनिंग होप्स आपको समझ आई होगी थैंक यू